अस्सलाम वालेकुम आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है म्याटिक एरर्स या इसी को हम नॉन डिसजंक्शन का नाम भी देते हैं तो चलते हैं इस टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉन डिसजंक्शन होता क्या है फिर उसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास डाउन सिंड्रोम्स है लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स है उसके बाद हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है तो इसको हम डिटेल से जो है वो पढ़ने जा रहे हैं तो स्टूडेंट जो मी है ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है इसमें ये होता है कि एक सेल से जो डॉटर सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है अगर कोई पेरेंट सेल डिप्लाइड सेल है तो उससे जो डाटर सेल्स बनेंगे वो हैप्लाइड होंगे वन एन हो जाएंगे तो मी कब होती है स्टूडेंट्स मी एनिमल्स में गैमिट्स बनाने वक्त होती है जबकि जो प्लांट्स हैं प्लांट्स में सपोर्स बनाने के वक्त जो है वो मीओसिस होती है अब मीओसेज में बज दफ़ा एरर्स आ जाती हैं जिन्हें हम एरर्स कहते हैं तो नॉन डिस्जंक्शन क्या है क्रोमोसोम्स फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज एंड एन टीलोफेज एनाफेज में मियोसिस में जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे होते हैं मियोसिस में जो हमालोगस क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरअप होते हैं और फिर वो सेग्रीगेट होते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है मियोसिस में लेकिन यहाँ नॉन डिस्टिंक्शन में क्या हो गया क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट अनक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है किस में डाटर न्यूक्लियाई में अब पेरेंट के एक सेल में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स हैं तो डाटर्स में ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री होंगे तो नॉन डिसजंक्शन में ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती अन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है इसी को हम क्या कहते हैं नॉन डिसजंक्शन कहते हैं अब जो गैमिट्स बनेंगे जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें क्रोमोसोम की जो नंबर है वो वेरी करेगा अगर ये वाले एबनॉर्मल गैमिट्स जो हैं उनकी फर्टिलाइजेशन होती है उससे जो इंडिविजुअल आएगा उसमें जो है वो कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी अभी क्रोमोसोम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो गई हमारे पास वो क्रोमोसोम कौन से हो सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकते हैं और ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी हो सकते हैं तो नॉन डिसजंक्शन जो है वो ऑटोसोम्स प्लस सेक्स क्रोमोसोम में हो सकती है अगर हम ह्यूमंस की बात करें ह्यूमंस में जो है ट्वेंटी थ्री टोटल पेयर्स हैं उसमें से वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है बाकी जो है वो ऑटोसोम्स हैं तो जब नॉन डिसजंक्शन हो गई इससे अब नॉर्मेलिटीज़ आएंगी तो उन अब की बात करें इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो फर्स्ट वन हमारे पास है डाउन सेंड्रोम तो स्टूडेंट्स डाउन सेंड्रोम को मंगोलिज्म भी हम कह सकते हैं डाउन सेंड्रोम बोटिक एरर है इसमें क्या होता है इसमें आटोसोम क्रोमोसोम जो है वो सही तरीके से सेपरेट नहीं हो पाते इसमें ट्वेंटी फर्स्ट पेयर जो है क्रोमोसोम का पेयर नंबर ट्वेंटी फर्स्ट वो सही तरीके से आपस में जो है वो सेपरेट नहीं हो पाता इसमें क्या होता है जो गैमेट्स बनते हैं जो डाटर सेल्स बनते हैं तो एक में ट्वेंटी फोर क्रोमोसोम चले जाते हैं और एक में जो है वो ट्वेंटी टू चले जाते हैं तो ये अन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ये कहाँ होता है अक्सर ओवा में होता है ये नॉन डिस्टिंगशन ये डाउन सेंड्रोम ये आटोसोम्स की क्रोमोसोम की जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेल गैमेट्स में नहीं है फीमेल गैमेट्स ओवम या एग में जो है हमें देखने को मिलती है और इसका ताल्लुक जो है इट इज़ ड्यू टू एजेड मदर जो फीमेल है जिसमें एग्स या ओवम बन रहे हैं उसकी एज से इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है अगर मदर जो है जिसमें ओवम बन रहे हैं वो टीन एजर है तो उसमें मैनी थाउजेंड्स में वन चांस होता है कि ये डाउन सेंड्रोम जो है वो हो जाए अगर उसकी एज जो है फोर्टी ईयर है तो वो वन इन थाउजेंड चांस जो है वो बढ़ जाता है अगर उस फीमेल की एज जो है वो फोर्टी फाइव ईयरस है तो थ्री टाइम्स जो है ये चांस जो है वो बढ़ जाता है क्या होने का उसमें नॉन डिस्जंक्शन होने का ट्वेंटी फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम की सेपरेशन गलत होने का अब अगर ये ओवम एग जिसमें ट्वेंटी फोर हैं ये ओवम जो है किसी नॉर्मल स्पम के साथ मिले नॉर्मल स्पम इसे आके फर्टिलाइज करते तो जो जाइगोट बनेगा उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे फोर्टी सेवन अब जो डिजाइकोड है उसमें फोर्टी सेवन क्रोमोसोम टू एन होने थे फोर्टी सिक्स होने थे वन क्रोमोसोम जो है इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास तो ये फोर्टी सेवन कंडीशन आ गई तो इसे हम डाउन सिंड्रोम्स कहते हैं इसकी पता कैसे चलेगा सिम्टम्स कैसे पता चलेंगी जो इंडिविजुअल है वो डाउन सिंड्रोम है उसमें तो वो जो बच्चा पैदा होगा जो उसमें क्या होगा उसमें फ्लैट एंड ब्रॉड फेस होगा उसका उसका फेस जो है वो फ्लैट होगा ब्रॉड होगा स्क्वेंटी आइज होगी उसमें प्रोटर्डिंग टंग होगी जुबान जो है उसकी प्रोटर्डिंग होगी प्रोटर्डिंग फैली हुई यानी ज्यादा चौड़ी फैली हुई जुबान जो है टंग जो है उसे हम प्रोटर्डिंग टंग कहते हैं बोलने में भी वो उसका इशू आता है स्वेलविंग में भी इशू आता है ये इसकी वजह से होती है उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन है जो इंडिविजुअल जिसमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो फोर्टी सेवन है टू एन प्लस वन है यानी वो डाउन सेंड्रोम का शिकार है उसमें मेंटल रिटार्ड होगा उसका ब्रेन जो है उसकी सही डेवलपमेंट नहीं होती जिससे जो है उसमें मेंटल रिटार्डेशन का प्रोसेस हो जाता है ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास माओटिक एरर्स की तो स्टूडेंट सेकेंड एग्ज़ैम्पल्स है हमारे पास लाइन फिल्टर सेंड्रोम ये जो सेंड्रोम है ये नॉन डिसजंक्शन है किसका ऑफ सेक्स क्रोमोसोम का डाउन सेंड्रोम नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ आटोसोमल क्रोमोसोम्स वाइल लाइन फिल्टर सेंड्रोम इज नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम जो है एक्स्ट्रा हो गया फोर्टी सेवन हो गया जब गैमिट्स बन रहे थे तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम सही तरीके से सेपरेट नहीं हुए फोर्टी फोर आटोसोम एक्स एक्स वाई यानी दो एक्स आ गए एक वाई आ गया तो ये जो कंडीशन है इसे लाइन फिल्टर सेंड्रोम का नाम दिया जाता है अब जिस इंडिविजुअल में ये सेंड्रोम पाई जाती है वो फिनोटिपिकली मेल होता है फिनोटिपिकली मेल है बाहिर वो मेल है लेकिन उसमें इन लार्ज ब्रेस्ट है उसका ब्रेस्ट जो है वो इन लार्ज होता है टालनेस हाइट जो है उसकी बड़ी होती है ऑबिसिटी है उसमें मोटापा होता है उसमें स्मॉल टेस्टीज होते हैं यानी स्माल टेस्टीज विद नो स्प स्पम्प जो है वो नहीं बनते यानी वो जो है आगे अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें नहीं हो सकता तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम्स में जो मेल होगा उसे ही मेल भी कह सकते हैं हम तो ये नॉन डिस्टिंक्शन है किसकी सेक्स क्रोमोसोम इसमें नॉन डिस्टक्शन में 48 क्रोमोसोम भी हो सकते हैं ये कंडीशन भी आ सकती है ये कंडीशन 49 भी हो सकते हैं यह कंडीशन भी ऑब्जर्व की जा सकती है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टर्नर्स सेंड्रोम मिसिंग वन सेक्स क्रोमोसोम जब एक्स बन रहे थे तो एक में एक्स्ट्रा चला गया दो एक्स चले गए एक में मिस हो गया एक में गया ही नहीं तो अगर वो वाला गैमिट फर्टिलाइज हो गया तो मिसिंग वन सेक्स क्रोमोसोम फोर्टी फोर गए उसमें एक एक्स आ गया हमारे पास एक वाई एक्स जो है वो मिसिंग है तो अगर ये कंडीशन है ऐसा गैमिट जो है फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी जो है वो सर्वाइव नहीं करती अबॉर्टेड हो जाती है अक्सर लेकिन सर्वाइव भी कर सकती है सर्वाइव का रेट जो है सर्वाइवल का रेट इसका बहुत कम है अगर हो गया तो उसकी फीमेल लाइक अपेयरेंस होगी फिजिकली फिनोटिपिकली ऐसा इंडिविजुअल जो टर्नर सिंड्रोम का शिकार है वो फिनोटिपिकली हमारे पास अपेरेंस उसकी फीमेल होगी उसके करेक्टर्स क्या होंगे शॉर्ट उसका स्ट्रेचर है वेब्ड नेक नेक की ये दोनों साइड्स जो हैं यहाँ जो है, है स्किन जो है वो फोल्ड हुई होगी ऐसे उसे हम वेब्ड नेक कहेंगे उसके बाद विदाउट ओवरीज इसमें ओवरीज नहीं होती यानी इसमें एग्ज नहीं बनेंगे एग्ज नहीं बनेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन और नहीं हो सकेगी जैसे इसमें नो स्पर्म्स हैं इसमें नो एग्स नो ओवरीज इसमें स्मॉल टेस्टीज हैं लेकिन उसमें स्पर्म्स नहीं बनते इसमें ओवरीज हैं नहीं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स जब ओवरीज नहीं है तो उसमें जर्म सेल जो हैं वो कम्प्लीटली एबसेंट होंगे तो यह आज का हमारा लेक्चर था अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें थैंक यू